विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 11 और जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले मिले। देश में 14 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 220 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 65, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 2-2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 केस अब तक मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी में नाइट कर्फ्यू समेत रोकथाम के दूसरे उपाय करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है, इसलिए हालात के मुताबिक जल्द और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। हरियाणा का गुरुग्राम 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। इस बीच वैक्सीन लेने वालों पर ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। ब्रिटेन के द लैंसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविशील्ड नाम के ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका कोविड-19 की वैक्सीन की 2 खुराक लेने वालों की 3 महीने बाद वायरस से सुरक्षित होने की क्षमता कम हो जाती है। दिल्ली में अब तक 54 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से कल 17 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। LNJP अस्पताल में 34 ओमिक्रॉन मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में कल कोरोना के भी 102 नए केस मिले हैं। उधर मुंबई में कल विदेश यात्रा से लौटे 8 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। पवई में IIT के हॉस्टल में 7 छात्र कोविड पॉजिटिव निकले हैं। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की गई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप माने जाने वाले रॉय कैरेबियन की सिम्फनी ऑफ द सी पर कोरोना विस्फोट हुआ है। सिम्फनी ऑफ द सी अमेरिकी कंपनी रॉय कैरेबियन ग्रुप की क्रूज शिप है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के मियामी पहुंचे इस शिप पर एक यात्री के संक्रमित पाए जाने के बाद जब दूसरों का टेस्ट करवाया गया तो कुल 6,000 यात्रियों में से 48 पॉजिटिव पाए गए। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई सांसद मंत्री BJP में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो पंजाब के कई सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक समेत कई मशहूर हस्तियां BJP के संपर्क में हैं। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग बर्फबारी की वजह से सैलानियों से पूरा भर गया है। गुलमर्ग में पर्यटक दुनिया के सबसे बड़े रोपवे का मजा ले रहे हैं। गुलमर्ग के कांगदोरी और अफरवत में टूरिस्ट स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ पर्यटक गुलमर्ग की खूबसूरत घाटियों को निहारते भी नजर आए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर रात ठंड से बचने के लिए लोग दिल्ली की सड़कों पर अलाव जलाकर लोग हाथ सेकते नजर आए। एम्स के पास बने रैन बसेरे में भी लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। कोरोना को देखते हुए रैन बसेरे में सैनिटाइजर समेत हर चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुरारी चाय वाले ने एक नया हाईटेक मोबाइल फोन खरीदा। मोबाइल खरीद कर मुरारी इतना खुश हुआ कि उसने जिस दुकान से मोबाइल खरीदा था वहां से लेकर अपने घर तक वो ढोल बाजे, बग्घी और आतिशबाजी के साथ नाचते गाते पहुंचा। मुरारी के मुताबिक ऐसा कर उसने अपनी बेटी से किया वादा पूरा किया है।